और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज ये मेरे फार्म का अपडेट है। पौधे लगाए हुए लगभग 1 मंथ और 15 डेज हो चुके हैं और ग्रोथ वाइज ये बहुत अच्छा चल रहा है। और आज के वीडियो का विषय आज ये रहने वाला है कि इसमें जो है, जैसे कि ये पौधा 10 मंथ का हुआ, इसमें पहले स्टेम निकले कोई दिक्कत नहीं था, बट दूसरा स्टेम जो छोटा स्टेम निकल रहा है उसमें क्या करें, चींटियों और इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा अटैक है, जिसका मैं फ़ोटो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया है। बहुत बुरी तरह से उन्होंने जो नए स्टेम्स है उसको खा लिया था। तो उसके लिए ही आज का ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव को दीजिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है और इसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ, तो इसके लिए जो है मैंने बाज़ार से एक लगभग 1500 PPM का जो है नीम ऑयल लाया हूँ। और जैसा कि आप यहाँ आगे देख सकते हैं, ये एक मैंने छोटा सा सेटअप अपने ड्रैगन फ्रूट के फार्म में बनाया है, जिसमें कि मैं हर एक तरह की जैविक दवाइयाँ बनाता हूँ। चूँकि मैं जैविक प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसलिए इन कीटों को नियंत्रण के लिए भी मैं जैविक दवाई का ही उपयोग करूँगा। तो ये जो है, ये नीम गोल्ड जो है, ये मैं इसमें उपयोग कर रहा हूँ। ये इसकी मात्रा ये रहती है कि जैसे कि ये 50 ml है, 50 ml मैंने ले लिया है, 30 से 50 ml इसकी मात्रा रहती है, इसको मैंने इसमें निकाल लिया है। और ये मैं एक 16 लीटर का मेरा टैंक है और इसमें इसको मैं डाल के इसमें पानी से फिल कर दूंगा और इससे अच्छी तरह से खेतों में स्प्रे कर दूंगा, जिससे कि ये कीटों में काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। बस आज का यही अपडेट था, यही अपडेट आपको देना था, क्योंकि इस पर जल्द नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर ज़्यादा समस्या करते हैं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इसी चीज़ के अपडेट के लिए मैंने आज का ये टॉपिक, ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव को ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।